ये लापता है SMP और इसमें बहुत ज्यादा प्लेयर खेलते हैं, इसमें से कुछ प्रो है और कुछ नूब। इन प्रो की लिस्ट में से ये है एक डेडलीस्ट प्लेयर और आज मैं इसे मारने वाला हूँ। मगर कैसे और क्यों? तो देखो कैसे का जवाब मैं आपको बाद को देता हूँ, लेकिन क्यों तो उसके लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा जब मैं ओवर पावर बनने की कोशिश कर रहा था। तो गाइस इस SMP में मेरे को सबसे ज्यादा पावरफुल प्लेयर बनना है, क्योंकि मेरे को लग रहा है आजकल वो हो सकता है। आप पुराने वाले स्पॉन की हालत भी देख सकते हो, पूरा टूट चुका है। तो ओवर पावर बनने के लिए मेरे को चाहिए बहुत सारे पोशंस, बस उन पोशंस में सबसे एक जो मेन पोशन होता है वो होता है टर्टल मास्टर। तो गाइस मैं इस जगह पे इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर समुद्र है और इसके अंदर मेरे को टर्टल्स मिलेंगे ताकि टर्टल मास्टर का पोशन बना सको। तो फटाफट से टर्टल्स ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो फिर गाइस यहाँ पर फाइनली भाई 1.5 घंटे बाद एक टर्टल मिला मेरे को और मैं उसको लेके आ चुका हूँ स्पॉन पे। अरे भाई तुम साइड रखना। तो बस अपने को भी एक और टर्टल चाहिए ताकि हम बना सके इन लोगों की आर्मी। सिट 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 स्केलेटन साइड रख। अब भाई सिट भाई ये बोट पे बैठ चुके। ओ शिट नहीं, ये क्रीपर्स को तो मैं छोड़ूंगा नहीं यार। शिट, ओवर पावर बनना था, मेरे को टर्टल मास्टर तो चाहिए। ठीक है तो फटाफट से चलते हैं और अभी मेरे को एक और टर्टल लगेगा भाई, मेरे को भी दोबारा दो टर्टल ढूंढने पड़ेंगे। शिट यार, फिर से मेरे को इसे ढूंढने में 1.5 घंटा लग गया। व्हाट, अबे ये टर्टल ही है ना भाई, इतना रेयर क्यों हो गया आजकल। इसके लिए वो बनाया तो फटाफट से ये इनको मार दो पहले। मेरा इस बार टर्टल मरना नहीं चाहिए भाई, पिछली बार मेरे को लगा भाई ये मरता ही नहीं होगा जल्दी से यार, ये तो फटाक से मर गया। चलो हम लोग जब तक इधर ये बनाते हैं वॉल इसके लिए। वेट, अबे टर्टल किधर गया? शिट भाई टर्टल किधर गया? नो वेज, मेरा टर्टल फिर से चला गया, उसे मैं दूसरी बार पकड़ के लाया था भाई। पहले भी एक बार भाग्य पर वो पहले मिल गया था, यूं ही यहीं आसपास ही था, इस बार तो है ही नहीं। ओ नाइस, ओ वेट वेट वेट, टर्टल वापस आ गया। नाइस 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 नाइस, ओके 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 ओके, अपने को मिल चुका है और बस अभी अपने को इसे गड्ढे के अंदर डालना है। ओके गाइस ये जा चुका है और वैसे भी अपने को एक और टर्टल चाहिए, अपना एक हो चुका है। तो फाइनली मेरे को एक और टर्टल मिल चुका है और अब मैं टर्टल्स की आर्मी बना सकता हूँ ताकि मैं टर्टल मास्टर के पोशन बना पाऊँ। धीमे धीमे, इतना स्लो है ना भाई ये, इतना गुस्सा आ रहा है। मैंने अपने जूते उतार रखे क्योंकि इन पे फर्स्ट वॉकर थी। ए हेलो से, ये क्या कर रहा है ये? What? मारा क्यों उसने मेरा कछुआ? तो फिर अभी मैं कछुओं की आर्मी और अपना टर्टल मास्टर सब बाद में बनाऊंगा, उससे पहले मेरे को ये सेनपाई का खात्मा करना है। तो देखो सेनपाई को खत्म करने के लिए मेरे पास यहाँ पर टोटल 3 तरीके हैं। पहला तो मैं उसे पीवीपी में मारूं, मजा नहीं आ रहा। हाँ वही मजा नहीं आएगा उसमें। दूसरा तरीका कि मैं उसे ट्रैप से मारूं। अब देखो ट्रैप में मुझे कुछ ऐसे ट्रैप चाहिए जिसमें वो टोटम से ना बच सके। अगर वो टोटम लगा के बच गया तो क्या फायदा ट्रैप का। ऐसे अब सिर्फ 2 ही ट्रैप है, ठीक है। पहला तो माइनक्राफ्ट ट्रैप और दूसरा है वॉइड ट्रैप। बात ऐसे देखो, अगर मैं माइनक्राफ्ट वाली ट्रैप से मारता हूँ मजा नहीं आ रहा, अगर मैं वॉइड ट्रैप से मारता हूँ जिस तरीके से मैंने पिछली बार ओपीओ गेमर को मारा था, मजा नहीं आ रहा। तो आप लोग अगर मजा देना है तो भाई मेरे को कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, उसके लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं वॉइड ट्रैप एंड माइनकार्ट वाले ट्रैप की ब्रीडिंग क्यों ना करा दूं। यस गाइस, मैं ट्रैप की ब्रीडिंग कराने वाला हूँ। व्हाट, तो देखो अगर मैं माइनकार्ट एंड वॉइड ट्रैप की ब्रीडिंग कराता हूँ तो मेरे पास कुछ अलग आ जाएगा, ठीक है। उसी का यूज करके मैं कुछ तो कर सकता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पर एक पोर्टल बनाया, ठीक है। मान लो कि अगर मैं वॉइड पे एक पोर्टल बनाता हूँ जो कि ये रहा, ये बनाया मैंने पोर्टल। मान लो इधर से ऐसे सैनपाई घुसा और वो देखेगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो वो इजिली यहाँ पर ब्लॉक लगा के ऐसे बच सकता है और ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तो एकदम टोटली बेकार आइडिया है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, देखो कि यहाँ पे मैं ब्लॉक लगा दूँ, ठीक है, और जैसे ही सैनपाई इधर आए मैं उसके ऊपर से यहाँ से माइनकार्ट गिरा दूँ। सोचो, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ माइनकार्ट लगाता हूँ, ठीक है। लगाओ, 20 सेट तो यहाँ पर हो चुके और अभी इस ट्रैप को टेस्ट करने की बारी है। और जैसे ही उस पोर्टल में वो निकलता है, वो नहीं, और उसने वो ट्रैप इजीली सर्वाइव कर लिया। सोचो देखो मैं इस ट्रैप को और कैसे अच्छा कर सकता हूँ, रुको रुको सोचने दो। मान लो यहाँ पर रखे हुए थे 2 ब्लॉक जहाँ पे माइनक्राफ्ट गिरकर टकराएगी, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर कॉबवेब लगा देता हूँ तो मैं इजीली बच जाऊंगा, है ना। मैं यहाँ पे बटन लगा दूँ, ओके ओके, अगर बटन लगा ट्राई करते हैं, ठीक है, बटन लगा ट्राई करते हैं, ओके ओके। तो अभी देखो अपने को, मान लो मैं इधर से गया फुल एकदम 20 हर्ट और वहां जाने के बाद मुझे पता लगता है कि शिट ये क्या है, यहाँ से पहले पॉइंट डालूंगा और ये तो इजीली बच गया मैं। डूड ये तो इजीली सर्वाइव कर गया भाई, एक टोटम तक पॉप नहीं हुआ मेरा। हाँ जब मैंने ओपीओ को ट्रैप किया था तो मैंने लगाए थे फेंस गेट। ओके 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 ओके, ठीक है, ये मैंने लगाए फेंस गेट। खाना वाना सब पूरा हो चुका है और चलते हैं वापस से, ठीक है। शिट शिट, ओके भाई यहाँ पर अभी कुछ और आइडिया है ही नहीं भाई, इस ट्रैप से बचना पॉसिबल ही नहीं है ब्रो। तो फटाफट से लापता में चलते हैं इस ट्रैप को बिल्ड करने के लिए। चलो चलो चलो, बस मेरे को वाला बेडरॉक ढूंढना है जहाँ से मैं दोनों तरफ वो पोर्टल खोल सकूँ, है ना।
तो मेरे को यहाँ पे रखनी है पिस्टन के बाद यहाँ से ओ शिट भाई यहाँ तो बेड रॉक है व्हाट मैं कैसे तो व्हाट द हेक ये भी इधर भी बेड रॉक है भाई एक्चुअली यहाँ पर होता है ऑब्सीडियन ठीक है हाँ ठीक है यहाँ पर होता है ऑब्सीडियन और उसके ऊपर होता है ब्लॉक उसके बाद यहाँ पर TNT और यहाँ पर TNT ठीक है हाँ अभी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यस अभी ठीक है अभी सब कुछ ठीक है What? First try again bedrock तोड़ दिया bro. पहली बार में ही टूट गया shit. भाई मैंने पिछली बार जब मैंने bedrock तोड़ा था first try में bedrock तोड़े थे मैंने. तो अभी guys यहाँ पर सिर्फ एक ही bedrock बाकी है जो कि ये वाला. इसे भी try करते हैं क्या ये इस बार में टूट जाएगा मैं first try कर रहा हूँ ये वाला तोड़ने के लिए. और नहीं टूटा पता ही था. ओके लेट्स गो डन भाई बेडरॉक तोड़ने तो मैं मसीहा हो चुका भाई क्या बात है भाई क्या बात है यूं ही तोड़ दिया मैंने ये वाले बेडरॉक ज्यादा टाइम भी नहीं लगा सही बताओ तो मैं इनको बेडरॉक तोड़ने में तो बस अभी अपने को बनाना है यहाँ पर एक नेदर पोर्टल जो कि बनेगा इस जगह पर तो देखो बस मेरे को इस वाले पोर्टल को करना लाइट अप और ये मैंने किया लाइट अप और बस अभी मेरे को इस पोर्टल को लिंक करना है अपने नेदर रूफ वाले पोर्टल से और मेरे को देखना पड़ेगा ओके ओपीओ गेमर खेल रहा है मेरे को सैनपाई के आने का वेट करना पड़ेगा तब मैं ये पोर्टल लिंक करूंगा अगर उससे पहले कोई और इसमें आता है तो मेरा पूरा का पूरा प्लान फेल हो सकता है तो अभी हम लोग वेट करते हैं सैनपाई के आने का बट उससे पहले मेरे को वो स्पॉन के सारे पोर्टल तोड़ने थे जो कि स्पॉन पर बने हुए थे ताकि सैनपाई गलती से किसी और पोर्टल में ना निकल जाए तो प्लान तो एकदम सिंपल है बस सैनपाई को यहाँ से घुसाना है ठीक है जब सैनपाई को ऐसे घुसाएंगे तो वो यहाँ बाहर इस जगह के निकलने की जगह पर वो निकलेगा नीचे तो बस मैं नीचे जाता हूँ सबसे पहले और नीचे जाके वो वॉइड खोलता हूँ ना ओके तो मुझे क्या करना है आपको सैनपाई को बुलाना है और मुझे बताना है भाई सैनपाई कब आएगा अगर नेदर पोर्टल के अंदर जब घुस जाए तो मेरे को बता देना बस चलो अभी मैं सबसे ज्यादा रिस्की काम करने वाला हूँ ठीक है अभी मेरे को यहाँ के ऑक्सीजन तोड़ने हैं और उसके बाद मेरे को इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं करना है चलो डन बस मेरे को ये पोर्टल को लाइट अप कर देना ठीक है ये कर दिया मैंने पोर्टल लाइट अप किस कारण से बुलाऊं मैं उसको यही समझ नहीं आ रहा रुको मेरे को लगा बस मेरे को देख के पता नहीं कहां तक पहुंचा मर गए क्या बच गया भाई मैं मर गया तो मेरी आत्मा को शांति के लिए कुछ कर देना बस कैसे मरोगे पर पता नहीं अभी देखा ना पता नहीं कैसे फट गया मेरा माइंड का चलो ठीक है ये हो गया कुछ रखा होगा आपने उसको बुलाने की टेक्निक वो तो आपको पता होगी ना भाई मैं तो आप पे छोड़ दिया सारी चीजें मुझे कहां से पता थी होगी ये टेक्निक मैं कहां बुलाता हूं लोगों को चलो ठीक है अभी मैं वापस से वही सेम काम करने जा रहा हूं जिससे मैं अभी मरते मरते बचाऊं फटियो मत प्लीज फटियो मत प्लीज प्लीज फट गई ये क्या था भाई ये क्यों हो रहा है पता नहीं कोई बात नहीं हम एक ही जगह रख लेंगे भाई दो जगह रखने की जरूरत ही नहीं है भाई बाहर हो जाए एक ही रखेंगे हम बच गया मैं फिर से जब जैसी सैनपाई का नेम टैग मुझे नीचे दिखा मेरे को बस ये तोड़ना है ठीक है गाइस मैं एक चीज भूल गया था प्लीज मत फूटियो सबसे पहले अपना सल्कर रख लेता हूँ मैं खत्म हूँ यहाँ पर ओके भाई बहुत डर लग रहा है मुझे सीरियसली डर लग रहा है दोस्तों तो अभी एकदम से पूरा सेट हो चुका है तो अभी बारी थी सैनपाई को बुलाने की अगर मैं बुलाता तो भाई पूरा यकीन हो जाता था कि यहाँ पर ट्रैप है तो यहाँ पर मैं PHOI को बोलता हूँ आप बुलाओ सैनपाई को दोस्तों कातिल खुद आ रहा है देखने स्टीवी भी आया था पोपट की ऐसा लग रहा है सेनपाई आपको एक कछुए का कातिल बनकर डिप्रेशन में मैंने उस कछुए को क्यों मारा क्या आपको आपकी एक्शंस का रिग्रेट हो रहा है yes, मुझे पता नहीं था वो टर्टल इसका है लैपिस का फाइनली मैंने मार दिया डेड बेस्ट प्लेयर को लापता है SMP में
श्रद्धांजलि हो चुकी है दोस्तों, श्रद्धांजलि तो हुई बट टर्टल की नहीं किसी और की। खतरनाक था भाई। तो यार गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके जाना, और मुझे पता है ये वाली वीडियो काफी ज्यादा छोटी थी क्योंकि 5 से 6 दिन तक लापता सब भी बंद थी, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया था। बट अभी से मैं जल्दी से जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, इस बात पर लाइक कर देना, और हम लोग 100K के बहुत ज्यादा क्लोज है तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।